हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिंदी लिटरेचर लेसन 11। तेरे घर के द्वार बहुत हैं। मैं इसको आपको सारांश बता रही हूँ इस कविता का पढ़कर। इस कविता को मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। इस कविता में कवि ने बताया है कि ईश्वर प्राप्ति के अनेक मत हैं। वह किस मत से ईश्वर को प्राप्त करे, क्योंकि अनेकों प्रयासों के बाद ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। निराश होकर जब वह अपनी कुटिया में आया तब उसको दर्शन हुए। मैं आपको ये सारांश बता रही हूँ कि कवि कह रहा है कि तुझे प्राप्त करने को बहुत से दरवाजे हैं, मैं किस प्रकार तेरे पास आऊँ। द्वारों पर भीड़ है, द्वार पर डराते हैं, कोई धक्का देते हैं। अगर मैं घुसता हूँ घुसूँ मैं कैसे, मुझ में तो बहुत दोष हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुझे अर्पण कर सकूं। मुझे तू अच्छा लगता है परंतु यहाँ तो धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं अपने विचारधाराओं में फंसा हुआ हूँ, यानी उसकी विचारधारा है उसमें फंसा हुआ, वो क्या करे क्या ना करे। तेरा विशाल स्वरूप मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत से लोग तुझे भूल रहे हैं। सारी रात बीत चुकी है इस मंथन में कि मैं कैसे तुझे प्राप्त करूं। अब तो मैं अपने घर जाकर ही तेरा गुणगान करूंगा। जब कवि अपनी कुटिया खोलकर देखता है तो वहां उसको ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। यानी कि हमारा यदि मन साफ है तो ईश्वर हमारे मन के अंदर ही है, दर दर भटकने से नहीं मिलेगा। ईश्वर हमारे मन के अंदर ही है, दर्द भटकने से नहीं मिलेगा। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध तथा बुराइयों को से दूर रखना चाहिए और बुराइयों को छोड़ देना चाहिए, तभी हमको ईश्वर की प्राप्ति होती है। यानी कि यदि हमारा मन गंदा है, यदि हम दूसरों का बुरा चाहते हैं तो ईश्वर हमको कभी नहीं मिल सकता। यदि हम कर्म अच्छा करते हैं और सबकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं और हमारा मन साफ है तो हमको ईश्वर अवश्य मिलेगा। यानी कि ईश्वर हमारे मन में है, हमारी विचारधाराओं में है। तो ये इसलिए उसने बताया है कि मैं आपके कैसे दर्शन करूँ, वो समझ नहीं पा रहा है तो किस साधन से मैं करूँ। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है और इसका भावार्थ भी आपको समझना है और इसमें आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनेंगे उसके आंसर भी आपको करने हैं। जैसे कि द्वारपाल क्या दिखाते हैं, है ना, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बनेंगे इसमें से, तो वो भी आपको ढंग से करने हैं। और इसके जो आपके शब्द अर्थ हैं, कठिन शब्द हैं, वो आपको अपनी हिंदी लिटरेचर कॉपी में करने हैं और आपको याद भी करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स।